हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज मैं आपको एक और फेरी गार्डन का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैं फेरी गार्डन का वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, तो आज ये एक दो और एक ही वाला, ये तीन मैं आपके साथ फेरी गार्डन के मिनिएचर गार्डन आप किस तरीके से घर में डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिएगा, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला जो है इसके लिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले गार्डन में एक ब्लू स्टोन का पाथ बना रही हूँ। स्टोन को कलर कैसे करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये मैंने फैब्रिक कलर से, वाइट स्टोन थे मेरे पास, उनको मैंने ब्लू किया हुआ है। ये देखिए, तो ये सबसे पहले हमने ब्लू कलर के स्टोन का पाथ बना लिया है। अब ये एक छोटा सा होम जो है वो हम यहाँ रख देते हैं। इसके पास ये आर्टिफिशियल डेकोरेटिव ट्री लगा देते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़े से रेड स्टोन रखते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा मिनिएचर डॉल को बिठा देते हैं। इसके बाद गार्डन के चारों तरफ हम वाइट आइसक्रीम स्टिक से बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने वाइट आइसक्रीम स्टिक से बाउंड्री लाइन क्रिएट कर दी। अब ये जो कलरफुल स्टिक हैं उनसे मैं इसका पाथ बना देती हूँ। ये ब्लू पाथ जो था उसके चारों तरफ हमने कलरफुल स्टिक से इसका पाथ बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप अपने सकुलेंट को जो है इस टाइप के गार्डन में जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सकुलेंट को जो है ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये आपका जो गार्डन है वो मेंटेन रहेगा और आपको लग रहा है थोड़ा स्टोन तो आप इसमें और स्टोन लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये लाइटिंग के लिए मैंने ये क्रिएट किया है, तो वो लगा देते हैं। ये पोल लाइटिंग ये दोनों तरफ चार हमने ये लगा दिए पोल लाइटिंग। अब हम इसमें पहले सकुलेंट ग्रो कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे का काम करेंगे। देखिएगा, ये जेली बीन्स इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। सकुलेंट को लगाने में थोड़ा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिएगा, ये जेड प्लांट को हम यहाँ लगा देते हैं।
इस तरह हमने जेट प्लांट को ग्रो कर दिया। अच्छे से लगा देते हैं, इसकी रूट थोड़ी बड़ी है तो बड़ा होल कर लेते हैं इसके लिए। ये देखिए, और इसको इस तरीके से लगा दिया। अब हम यहाँ पर एक ये लकी प्लांट, इसको यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए, अब इस तरफ ये क्रेसुला, इसको इस तरफ ग्रो करते हैं। और ये जेब्रा कैक्टस, इसको हम इधर लगा देते हैं। ये देखिए, अभी मैंने सकुलेंट प्लांट लगा दिए हैं, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पर। तो अब हम इसमें जो है स्टोन से इसको डेकोरेट कर देते हैं। इसको आप जो है 2-3 डेज में एक बार स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए वाटर को। ज़्यादा वाटरिंग की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए, आपने एक छोटी सी प्लेट में कितने अच्छे से सकुलेंट प्लांट को लगा दिया है। इसमें हम एक मिनिएचर बर्ड भी लगा देते हैं ट्री के पास। अब नेक्स्ट देखिएगा ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।